नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया कलेक्टर संजू कुमार के मार्गदर्शन में आज जिला आबकारी अधिकारी दतिया निधि जैन के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़ के सहयोग से बड़ोनी थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा कंजर डेरा पर दबिश दी गई। यहां से अवैध शराब बनाने का सामान जिसमें 13,000 किलोग्राम 685 लीटर हाथ भट्टी की बनी शराब जब्त की गई। मौके से अवैध शराब बनाने के उपकरण, 3 मशीनें, ड्रम आदि भी जब्त किए गए। जब्तशुदा शराब और सामान की कुल कीमत लगभग 8,00,000 रुपए की गई है, जबकि आबकारी विभाग दतिया द्वारा विभिन्न धाराओं में कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उक्त कार्रवाई में आबकारी विभाग के संभागीय उड़न दस्ते से उप निरीक्षक निधि गुप्ता, उप निरीक्षक अनिरुद्ध खानविलकर सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। दतिया से ब्यूरो चीफ अंकित जैन की रिपोर्ट। जी बताएं। माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में लगातार जो अवैध शराब कार्यवाही करने के लिए जो एक मुहिम चलाई जा रही है, स्पेशल ड्राइव जो आबकारी विभाग दतिया चला रहा है, उसी तारतम्य में ये जो संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड जो हमारा है उसके सहयोग और निर्देशन से दतिया आबकारी टीम और शिवपुरी आबकारी टीम ने गोपालपुर क्षेत्र में, गोपालपुर कंजर डेरा जो है आपका बड़ौनी थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पे कार्यवाही हुई है। इसमें हमने ऑन द स्पॉट मौके पे जो है 13,000 किलोग्राम महुआ लान जो है नष्ट किया है, 700 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब को आबकारी कब्जे लिया है और 34-1-3 प्रकरण, 34-2 का प्रकरण, कुल मिला के जो अनुमानित कीमत है वो अप्रॉक्स 8,00,000 रुपए है। और ये हमारी लगातार जो कार्यवाहियों का एक जो सिलसिला जारी है उसमें 15वीं दबिश होगी। इस क्षेत्र में जो हमारा एक उद्देश्य है आबकारी दतिया का कि अवैध शराब का जो नेक्सस है उसे कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना है और इस पर हमें एक बड़ी रोक लगानी है।